वहीं बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बानखाना दिन दहाड़े बाजार से सामान लेकर लौट रही पत्नी पर घात लगाए बैठे पति ने चाकू से हमला कर दिया। बेरहम पति ने अपनी पत्नी पर एक के बाद एक पेट में 20 चाकू गोदे। इस घटना से मोहल्ला में दहशत का माहौल फैल गया। मौके पर पहुंची प्रेमनगर थाना पुलिस ने घायल हालत में निजी अस्पताल में बता दें कि निशी को जिला अस्पताल में भेजा है। तो बताते चले कि तो वहीं जहां पर डॉक्टरों ने निशा को मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले में एसपी सिटी रविंद्र कुमार का कहना है कि आज सुबह 11 बजे प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बानखाना में विकास नाम के युवक ने अपनी पत्नी निशी पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची प्रेमनगर पुलिस ने निशी को घायल अवस्था में जिला अस्पताल भेजा, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। आरोपी पति की तलाश में टीमें लगा दी गई हैं और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे जेल भेज दिया जाएगा। आज दिनांक 19/5/2022 को सवेरे लगभग 11 बजे थाना प्रेमनगर पर एक सूचना मिली। उस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर गई तो पाया कि मोहल्ला बानखाना में एक व्यक्ति जिसका नाम विकास सक्सेना है, उसके द्वारा अपनी पत्नी के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। उस हमले के बाद वो व्यक्ति जो है मौके से फरार हो गया। मौके पर मौजूद जो महिला है उनके भाई के द्वारा एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार के बाद उसे जो है रेफर कर दिया गया। रेफर करने के बाद में जो महिला जिला अस्पताल में आई, जिला अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मौके पर मौजूद है और शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम करवाई जाएगी। परिजनों के द्वारा जो भी तहरीर दिया जाएगा उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। जो व्यक्ति इसमें संलिप्त है उसकी गिरफ्तारी की टीमें भी लगा दी जाएगी और उस व्यक्ति को है गिरफ्तार किया जाएगा। और इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, पोस्टमार्टम की रिपोर्टें आ जाएगी, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर किसी प्रकार की लॉ की कोई समस्या वर्तमान में नहीं है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम भी मौजूद है।